हैव के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो हैव का एक मतलब होता है पास है, और हाँ एक मतलब होता है पास है, और उसके बाद हैव के मतलब और भी हैं, जैसे हैव का मतलब रखना, हैव का मतलब यूज करेंगे। हाँ मैं बता देता हूँ, मैं सारा पहले उसको मीनिंग एक एक करके लिख लीजिए। खाना, पीना, लेना, अब ये भी इसका मतलब है। तो अब इसके एरर से कैसे बचा जाए ये जानना ज्यादा जरूरी है, राइट ना? तो अब आप समझिएगा तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर ये हैव है तो क्या ये वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, या फिर ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब एक जैसे ही होते हैं, पर कई बार थोड़ा सा फर्क भी रहता है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेगी ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है? अब देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के केसेस में अनदर वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ऑक्सिलरी वर्ब होता है तब क्या होता है, दूसरे वर्ब की जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती है, नहीं होती है। अब अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा तब इसका एक ही मतलब होगा, पास है। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो इसका एक ही मतलब होगा, पास है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये पास था भी हो सकता है लेकिन हैड के लिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका क्या मतलब हुआ? पास सर, आई मीन पास होना ना सर, जैसे कि देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है? जरूरत नहीं होती है। दोबारा कहिए एक बार। हेलो किरण। हाँ सर। हाँ फिर से कहिए जरा। सर हेल्पिंग वर्ब नो। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब में कोई दूसरे वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सर हाँ अब मैं बता रहा हूँ, रुक जाइएगा। तो अब जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हैव को, हैज को यूज करेंगे तो इसके साथ कोई दूसरा वर्ब यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई हैव अ बुक, तो क्या इसमें कोई दूसरा वर्ब है? नो सर, नहीं है। हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, हैव के बाद ऑब्जेक्ट है और ये दरअसल नाउन है, राइट ना? तो अब ये हैव क्या बना? ऑक्सिलरी वर्ब बना, और यहां पर इसका मतलब निकलेगा पास है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। वी हैव क्वेश्चंस, We have questions. हमारे पास सवाल है। तो इस केस में देखिए कि क्या कोई भी दूसरा वर्ब आया क्या? नहीं सर। नहीं आया। तो जब कभी भी कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा तो वो क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा। फाइन? फाइन सर। ठीक है। अब फिर से आप यहां से यहां तक पढ़िए
और मुझे बताइए ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है। इन दोनों सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया? इससे सर समझ में आया जैसे कि जैसे कुछ पास में होना, लाइक आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई मीन जो हमारे पास एक्चुअल में है, जो सिर्फ पास के लिए यूज करेंगे, राइट सर? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि हैव का एक इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं तब इसका साउंड होता है पास है, और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होता। ये तो क्लियर हो गया? यस सर। अब तो एक पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब के लिए। अब आते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब, नॉट अगर, हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब में एक और वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में दूसरे वर्ब्स यूज होते हैं। जब ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके साथ हमको क्या जरूरत पड़ती है? वर्ब, दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ती है। फाइन फाइन सर। और जब हैव, जब हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, जब वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तब इसके साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क रहेगा? सर वो तो एक खुद का वर्ब है, जैसे कि मेरे मतलब वो खुद का एक उसका मतलब है जो वो वर्ब की तरह काम करता है, लाइक पास होना। एंड ये जो हेल्पिंग है इसमें जैसे थर्ड फॉर्म में सिर्फ यूज करेंगे ना सर, तो अच्छा देखिएगा, किसी को जो अब मैंने लिखा है ना उसी को समझिएगा और उसी को रटिएगा, ठीक है? तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमें दूसरे वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब में हमें दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ती है। ये बहे फिर से, ऑक्सिलरी वर्ब में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हेल्पिंग वर्ब में हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब तो हैव जब हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब तो ये टेंस में यूज होता है। जो हैव यूज होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह वो कौन से यूज में होगा? वो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। फाइन। और परफेक्ट टेंस में ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस का एक अपना साउंड होता है और वो होता है या है, ई है, ए है। या है, ई है, ए है। फाइन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव रिटन अ सेंटेंस, इसका क्या मतलब होगा? मैंने सेंटेंस लिखा है। लिखा है। या है का साउंड आया? Yes, ये हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ। हाँ। और इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया। Yes, चलिए एक और सेंटेंस।
We have learned a new word. इसका क्या मतलब होगा? हमने एक नया वर्ड सीखा. सीखा है. ठीक है. तो अब ये have यहाँ पर helping verb use हुआ और इसके साथ verb form use किया third form. अब तो दो sentence देखिए. People have time. People have spent time. अब इसमें कौन सा have helping verb है, कौन सा have auxiliary verb है? कौन सा second वाला helping है? People have spent time. और ऊपर वाला? ऊपर वाला जैसे पास होना मतलब auxiliary verb है. Yes sir, जैसे लोग के पास time है. Correct. तो जब ये auxiliary verb होगा, जब ये auxiliary verb होगा है, people have spent time, लोगों ने time खर्च किया है. Helping verb के cases में या है, ई है, ए है का sound आएगा. ये दो बातें clear हो गई आपकी? Yes sir. ठीक है. अब आप इसका screenshot ले लीजिए, इसका भी screenshot लीजिए, फिर मैं आपको एक नया point बताता हूँ. Okay, ठीक है. अब आते हैं अगले पॉइंट पे. तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई हैव को लेकर. एक मैंने आपको बताया ऑक्सिलियरी की तरह यूज करते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं. अब वर्ब मींस एक्शन इन द सेंटेंस. अगर अगर कोई वर्ड वर्ब है तो उसके पहले आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. एक मिनट बेटा बता. हाँ अब देखिए, तो जब कोई भी वर्ड अगर वो हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो खुद एक्शन की तरह काम करता है. अब ध्यान रखिएगा, जो वर्ब होते हैं ना उसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. अगर कोई वर्ब है तो हम वर्ब को एस या ईएस के साथ भी लिख सकते हैं, हम वर्ब को सेकेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज कर सकते हैं. फिर से समझिएगा, अगर कोई भी वर्ड वर्ब है तो उसके पहले आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब होगा आमतौर पे, और वर्ब को आप एसीएस के साथ भी लिख सकते हैं, वर्ब को सेकेंड फॉर्म की तरह भी लिख सकते हैं, वर्ब को थर्ड फॉर्म की तरह भी लिख सकते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी भी लिख सकते हैं. अब तो हैव भी एक वर्ब है, हैव भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खाना, जिसका मतलब होता है लेना, जिसका मतलब होता है रखना, जिसका मतलब होता है मजे करना, एंजॉय करना. अब तो अगर मुझे सेंटेंस लिखना हो कि मैं मजे कर रहा हूं,
या फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। मुझे लिखना है मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं तो इसका सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। और हैव का मतलब खाना भी तो होता है ना? हाँ सर। तो अब एम के साथ हैविंग करेंगे क्योंकि हैव के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा रहा रही की वजह से। हाँ सर। तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने एक जगह पास्ट में देखा था कि जैसे कि having had food, तो वो अब having के साथ had लगाया तो वो अलग चीज हो गया। अब वही हाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब पहले इनको आप देख लीजिए। तो मैं आपके लिए तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूं, अब इसका मतलब भी समझिएगा। जैसे वी आर हैविंग गुड टाइम, यू वर हैविंग अ पार्टी, दे will be having rest। अब ये तीन sentences हैं, तीनों में ing use हुए हैं। Yes, sir. अगर ing use होंगे तो कौन सा sound निकलेगा? Present tense का। जब कभी भी ing use करेंगे तब रहा रही रहे का sound निकलेगा। क्या निकलेगा? रहा, I mean वही सर जो हो रहा है। हाँ, तो अब वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हैविंग की वजह से नहीं निकलेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके पहले वाले वर्ड से निकलेगा। हैविंग से पहले जो वर्ड आप यूज करेंगे वो डिसाइड करेगा कि है होना चाहिए, था होना चाहिए या गा होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई आपकी? क्लियर है सर, बट जैसे कि वी आर हैविंग गुड टाइम, ये तो समझ में आ गया कि हमारे मतलब बताइए हम लोग अच्छा टाइम बिता रहे हैं, ये रहा ना एंजॉय करना। हाँ सर। एंड सेकंड वाला, हाँ यू वर हैविंग अ पार्टी, मतलब तुम्हारे पास पार्टी हो रहा रही वाला सेंटेंस बनाइए। यू वर हैविंग अ पार्टी, तुम लोग पार्टी कर रहे थे। ओके, आई मीन इसका मतलब होता है ना रखना। हाँ हाँ। तो तुम लोग पार्टी रख रहे थे या फिर तुम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब they having rest, and sir ये तो इसका मतलब ये होगा कि वे लोग आराम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि will be है, और अगर ये will be है तो ये फ्यूचर हुआ। तो सर having future में भी यूज करेंगे? अभी हम लोग having पहले ही मैंने बोला है, ये present past future having से इसका कोई लेना देना नहीं है। having ना तो present है, having ना तो past है, having ना तो future है। उसके पहले जो word यूज होगा उसके हिसाब से decide होगा कि वो present के लिए यूज होगा, past के लिए यूज होगा या फिर future के लिए यूज होगा। ये last वाले तीन sentence जो मैंने बोले उसको repeat कीजिए। दोबारा बोलूं? Yes sir, मैं हिंदी में लिखती हूँ। हाँ, उसको लिखिए सर, पहले लिखिए पॉइंट्स को, लिखिए जरा पहले having ना तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना तो पास्ट है, और ना ही फ्यूचर है।
पढ़िए जरा जो आपने लिखा है। अब सर समझ में आ गया, having ना तो ना तो present है, ना past है, ना future है। आगे बस ये इसको सर helping अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले लिखिए point। आगे लिखिए। हाँ सर। Having से पहले जो word use करते हैं, जो word use करते हैं वो फैसला करता है कि ये पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। अच्छा, अब ये जितनी भी अभी लास्ट में आपने पॉइंट्स लिखे पहले मुझे पढ़कर सुनाइए। Having से पहले जो वर्ड यूज करते हैं वो फैसला करता है कि ये पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। ओके गुड। और having खुद एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है क्या? नो सर। हाँ had हाँ हाँ हम had की बात कर रहे हैं या having की बात कर रहे हैं? Having का सर नो। हाँ गुड। अब ये आपको रट लेना है, बिल्कुल इसको रट्टे मार लेने हैं ये लास्ट वाले पॉइंट को। अब तो आर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं ना? हाँ सर। इसीलिए आर हैविंग का मतलब एंजॉय कर रहा है। वी आर हैविंग गुड टाइम, हम लोग अच्छा टाइम बिता रहे हैं। अब वर का मतलब पास्ट होता है। हाँ सर। इसका मतलब हम लोग पार्टी कर रहे थे। और तीसरा विल बी का मतलब फ्यूचर होता है। हाँ सर। तो हम लोग आराम कर रहे होंगे, ये सर इमेजिंग टाइप का हो गया ना? हाँ, लेकिन वो अभी नहीं देखना है, अभी हमको यूजेस को समझने हैं। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। अब तो मान लेते हैं, अभी इसका हिंदी जरूर लिखिएगा। मान लेते हैं कि अब हमारा सेंटेंस है We will be having rest. तो इसका क्या मतलब होगा? We will have rest. हम रेस्ट कर रहे होंगे। हम लोग रेस्ट कर रहे होंगे। You are having a party. तो इसका क्या मतलब होगा? हमारे पास। जब हम having यूज कर रहे हैं तो क्या पास का साउंड आएगा? नो सर। नहीं आएगा। वेल डन। अभी आप अपने लिखा है ना, मतलब ढूंढिए वहां से। पार्टी कर रहे हैं। गुड गुड। अच्छा, अब लास्ट सेंटेंस है दे वर हैविंग रेस्ट। तो इसका क्या मतलब होगा? हम रेस्ट कर रहे थे। वेल डन। अब मुझे इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, कल मुझे ये मजबूती के साथ प्रैक्टिस चाहिए आपका। अब इसको अभी आप आराम से पढ़िएगा, सारे पॉइंट्स को समझिएगा, इसके फोटो लीजिए। अब मैं छोटे छोटे फर्क को एक बार फिर से बताता हूं, क्लिक कर लीजिए। ठीक है सर, हो गया। अब आपके पास एक जो चीज चल रही थी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो जो दिमाग में चल रहा था उसका आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कि हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तब डिसाइड करते हैं जब हमारे पास वैसा सेंटेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. अब जैसे अगर मैं ये कहता हूं मैंने सेंटेंस लिखे हैं, मैंने सेंटेंस लिखे थे, मैंने सेंटेंस लिखे होंगे. अब ये तीन अलग अलग टेंसेस हुए ना? हाँ सर. गुड. तो पहले का ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए? मैंने सेंटेंस लिखे हैं. I have written sentence. I have written a sentence. Right? तो अब देखिए यहाँ पर ये have क्या है? Helping verb है ना? हाँ सर. तो इसी helping की verb की वजह से हमने क्या माना? ये present tense बन गया? सर ये present tense. हाँ. कोई चीज जो खत्म हो गया लेकिन जिसका ताल्लुक present से है वो present perfect tense होता है. अब दूसरा सेंटेंस कैसे होगा? आई हैव रिटन अ सेंटेंस. ओके. तो अब देखिए आई हैड रिटन अ सेंटेंस होगा. तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? आई हैड रिटन अ सेंटेंस. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने सेंटेंस लिखे थे. तो रिटन तो नहीं बदला ना? नो सर. लेकिन हैव हैड में बदल गया? हाँ सर. ये हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है? ये हेल्पिंग है सर. और ये वाला सेंटेंस का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब डिसाइड्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. हाँ सर. तो अब आपको क्लियर हुआ कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का लेना देना हैव हैज हैड से नहीं है. अगर कोई वर्ड हेल्पिंग वर्ब है ना तो वो डिसाइड करेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो हैव हैज हैड भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है. तो वो टाइम और सेंटेंस डिसाइड करेगी उसको हम लोग कहां यूज करेंगे. अब लास्ट सेंटेंस को पहले देखिए. आई विल हैव रिटन अ सेंटेंस. इसका क्या मतलब हुआ? ये सिर्फ फ्यूचर है ना? I will have written. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. मैंने सेंटेंस लिखे होंगे. अब क्लियर हुआ ना? तो अभी रिटन अपनी जगह रह गया और ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर रहा है ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है. तो मान लेते हैं कि मैं हैव को वर्ब की तरह यूज करूंगा. तो अगर मैं हैव को वर्ब की तरह यूज करूंगा तो उसके पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना? हाँ सर. ठीक है. तो अब मैं तीन टेंसेस लिख रहा हूं फिर से हैव को वर्ब मानकर. अब मैंने लिखा मैंने चाय पी है, मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी होंगी. राइट डियर. आप देखिए पी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ना? हाँ सर. मैंने चाय पी थी पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ? हाँ. मैंने चाय पी होंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ? हाँ सर. आप देखिए तो मैंने चाय पी है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैविंग. हैव और हैज, नॉट हैविंग. हैविंग देखिए अभी आपने पॉइंट लिखा है ना कि हैविंग कुछ भी नहीं होगा. बट सर मुझे लगा हेल्पिंग वर्ड में यूज कर सकते हैं.
नहीं तो अभी हम लोगों ने लिखा है ना कि हैविंग कुछ भी नहीं है, पढ़िए जरा, लिखा है आपने हिंदी में सेंटेंस, लिखा है ना, हैविंग कुछ भी नहीं है, उसके पहले जो वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखिए पॉइंट जरा चेक कीजिए, हैविंग से पहले जो वर्ड यूज करते हैं वो फैसला करता है कि ये पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। अब क्लियर हुआ? तो हैविंग कुछ नहीं है। अब मैंने चाय पी है, तो जब हम लोग या है ई है का साउंड करते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, तो आई हैव हैड टी। अब समझिए, एक आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक आपका वर्ब है। जब हम हैव लगाते हैं तो वर्ब के कौन से फॉर्म को यूज करते हैं सर? मतलब एक तो हैव मतलब पीना हो गया, हाँ, तो उसको हम, उसको मैंने हैड, आई मीन हाँ, तो ये जैसे ये रिटन है ना, हाँ सर, वैसे ये हैड है, और जैसे ये हैव है हेल्पिंग वर्ब, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब है। I had had tea. मैंने चाय पी थी। की I will have had tea. मैंने चाय पी होंगी। तो पॉइंट वॉज, अभी जो पहले वाला है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो दूसरे वाला है वो वर्ब है। हाँ। ये प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है, और ये फ्यूचर वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हैड, जो दूसरा वाला हैड है वो कुछ भी नहीं है, वो ये हमको बताएगा कि ये हैड मेरे लिए प्रेजेंट है, ये हैड मेरे लिए पास्ट है, ये हैड मेरे लिए फ्यूचर है। कौन बताएगा? उसके पहले वाला वर्ड सर। बट यहाँ पे आई विल हैव हैड टी यहाँ पे क्यों आया सर? क्योंकि क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओ हाँ, ये रहा ना। हाँ सर। चलिए अब तो सर ये फ्यूचर होगा, फिर भी हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि फ्यूचर तो हम लोगों ने विल लगाया, उसके साथ हैव लगा दिया, तो चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है इसीलिए हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो सर ऐसे यूज आई हैविंग हैड अ फूड ऐसे यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, वो भी मैं उसको करेक्ट करूंगा। अभी इसको लिख लीजिए, अब फोटो ले लीजिए। अच्छा, अभी कल आपका जॉब होगा, कल आपका जॉब होगा कि आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत पेशेंटली पढ़ के रखेंगे। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं सभी के आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। फाइन फाइन सर। ठीक है, अब शॉर्ट में जो आपको समझना है, जानना है, या फिर अब आपको होमवर्क करना है या फिर प्रैक्टिस करना है, वो ये, दरअसल जो हैव है उसके बहुत सारे यूसेज हैं, पर डिफिकल्ट नहीं है अगर हमको ये समझ में आ जाए कि उसका पैटर्न क्या है, है ना। अब यहां से यहां तक पढ़िए जरा, क्या लिखा है सर? लेना तो हमने यूज किया क्या सर? हाँ, लिया, जैसे मैंने चाय ली है। अच्छा हाँ। डन सर। ठीक है, तो अब दरअसल हैव के बहुत सारे यूजेस हैं। तो हैव एक वर्ब भी है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है, हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम समझ लें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि वो अकेला यूज होता है, उसके साथ कोई दूसरे वर्ब यूज नहीं करते। ओके ओके सर। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि उसके साथ दूसरे वर्ब यूज करते हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और वर्ब को हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फाइन
फाइन सर। और अब चाहे वो हैविंग होगा या हैड होगा, वो डिसाइड करे कि उसके कौन से फॉर्म पे यूज होंगे। फाइन फाइन सर। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।